आपने उनसे भी उनका हक छीन लिया, आपने मंडी छीन ली, आपने जो आपके दोस्त है, आपके एजेंट्स है प्राइवेट कंपनी, उनको मजबूत कर दिया। क्या जवाब देंगे आप? आपको फिर इलेक्शन लड़ने हैं। आप याद रखें कि ये नौजवान, ये किसान आज धूप में आपके सामने बैठा है, कल आप किसी धूप में आगे सामने बैठ के बहुत कुछ कह दिया आपने। अब मैं अर्जुन शर्मा जी से विनती करूंगा कि वो मंच पे आए और अपने मन की बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया केसरी साहब। छत टपकता है मेरा, छत टपकता है मेरा, फिर भी दुआ करता हूँ बारिश की। मैं किसान हूं, मैं अर्जुन शर्मा सेक्रेटरी ऑल जम्मू एंड कश्मीर प्रदेश कांग्रेस, एक किसान का बेटा आपके समक्ष आया हूं। 1947 में जब अंग्रेजों की तानाशाही से, उस काले दरवाजे से हमारी आवाम, हमारे किसान अपनी जमीन, नमस्कार, मैं नकुल शर्मा, स्टेट सेक्रेटरी जे एंड के प्रदेश कांग्रेस। आज हमने ये प्रदर्शन रखा है मोदी सरकार के खिलाफ। आज हमने मोदी जी को कुर्सी में अपने सामने बिठा के उनसे मन की बात करनी चाहिए। जिस तरह मोदी जी हर रोज, हर हफ्ते में अपनी मन की बात पूरी देश की जनता के साथ करते हैं, आज उन्हीं मोदी जी को हमने कुर्सी में बिठा के हमारे किसानों की और बेरोजगारों की बात जो है उनको सुना रहे हैं। बात है कि जो 3 कानून पास किया गए हैं, काले कानून है वो किसानों के लिए। पहले तो आपने मंडियों को कमजोर कर ही रहे थे, अब आप खत्म करके अपने प्राइवेट लेनदारों को, अपने दोस्तों को, अपने एजेंटों को, जो आपके इलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा पैसा देते हैं, उनको आप मजबूत कर रहे हैं। आप ये मत भूले कि ये वही किसान है, ये वही युवा है जिसने आपको इस कुर्सी में बिठाया है, और ये वही किसान और युवा बनेगा जो आपको कुर्सी में से उठा के इस धूप, इस कड़कती धूप में वोट की भीख मांगने की नौबत पे ले आएगा। जय हिंद।